अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कितना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया की, अगर आप हाल ही सर्विसेज प्रोवाइड करने लग पड़े तो इसमें कितनी ज़्यादा आती हैं, और आप अपने क्लाइंट को किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्लाइंट को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, और बाकी सब बातें भी चले आए जिसमें करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया में ना दो तरह की सर्विसेज आप दे सकते हैं। एक है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कि आपने उसके प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करना है, पोस्टिंग बनानी है, कैप्शंस बनानी है, क्रिएटिव्स बनाने हैं, हैशटैग्स करने हैं और उनको अपलोड करना है, ये होगी एक तरह की सर्विस। अब अगर हम दूसरी सर्विस के बारे में बात करें सोशल मीडिया की, वो है मार्केटिंग। उसमें आते हैं पेड एड्स चलाना, उसको सेल्स जनरेट करके देना, वो आती है सेकंड टाइप। चले आज हम पहली पे बात करते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट, और इसे कोशिश करते हैं हम इसे कवर कर सकें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोशल मीडिया के मेन प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, बिजनेसेस कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, टम्बलर, और भी काफ़ी ज़्यादा इसी तरीके से हैं, जो कि इवन कहीं ऐसे भी हैं, जैसे कि टम्बलर का मैंने नाम लिया, आप में से शायद काफ़ी ने सुना भी पहली बार होगा, ये पाकिस्तान रीजन में यूज़ नहीं होता, बाहर की कंट्रीज़ में ये काफ़ी यूज़ होता है। तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं आपने पहले वो देखना है, और बिजनेसेस के लिए कौन कौन से फ़ायदेमंद हैं आपने उनको देखना है और उनको समझना है। जैसे कि जो फेसबुक की अगर हम बात करें तो फेसबुक बिजनेसेस क्यों यूज़ करते हैं, फेसबुक का मकसद क्या है यूज़ करना, तो फेसबुक का मकसद यह है कि बिजनेसेस अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कस्टमर्स को और अपनी ऑडियंस को वहाँ पे, जैसे कि उनके ओपनिंग आवर्स क्या हैं, कि अगर कोई न्यू अराइवल आ रहा है उसके बारे में करेंगे, अगर रेस्टोरेंट है तो वो अपना मेन्यू प्रोवाइड करेगा, वहाँ पे एक टैब होता है, अगर इसी तरीके से हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल है, तो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड वहाँ पे दिखा देगा और कस्टमर्स के लिए ईजी होगा, मतलब कि इंफॉर्मेशन। अब अगर आ जाते हैं हम इंस्टाग्राम की तरफ, तो इंस्टाग्राम यूज़ होता है अवेयरनेस के लिए, बिजनेस या पब्लिक फिगर्स जो भी है वो अवेयरनेस क्रिएट करता है अपने बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, और अपना लाइफस्टाइल सेलिब्रिटीज शो करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो आपको इन मेन प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि इनका काम क्या है, ये क्यों यूज़ क्यों होते हैं। इसी तरीके से अगर हम लिंक्डइन की बात करें तो लिंक्डइन पे प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल सब, ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बैठी हुई हैं, कंपनीज बैठी हुई हैं, और वो अपने बारे में बता रही हैं कि हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने कोई बंदा हायर करना हो तो लिंक्डइन से करते हैं, बहुत ज़्यादा इवन हायरिंग आजकल कंपनीज जितने भी हैं वो लिंक्डइन के थ्रू करती हैं। तो सबसे पहले आपको इन सब प्लेटफॉर्म के कोर का पता होना चाहिए, फिर ही आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि मैं क्लाइंट के साथ बात कर सकता हूं और उसको मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं। और ये बिल्कुल नहीं करना आपने कि जी क्लाइंट आपके पास आया और आपने कहा मेरे को सब कुछ आता है, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे अपने क्लाइंट को, ठीक है। ज़्यादातर कह लें कि 99% यही चीज़ें होती हैं, शायद मैं एक दो कुछ चीज़ें मिस कर दूँ, वो ये है कि आपने उसको पोस्ट बना के देनी है, आपने उसको कैप्शन बना के देनी है, उसको हैशटैग्स देने हैं, प्लस आपने उसकी स्केड्यूलिंग करनी है। स्केड्यूलिंग मतलब कि उसकी पोस्ट की अपलोडिंग, और अपलोडिंग के टाइम ये काइंडली लाजमी ध्यान रखिएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं, आपने अपनी सुबह के टाइम पे अपलोड नहीं करना कि जी आज सुबह हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि यूएस में भी इस टाइम सुबह हो, उस टाइम रात के वहाँ पे 3 बज रहे होंगे और 3 बजे रात को अपलोड करने का पोस्ट मेरा हालांकि कोई फ़ायदा नहीं। तो आपने अपने हर क्लाइंट के टाइम को ध्यान में रखना है, और उसकी जो मॉर्निंग होगी ऑलमोस्ट कह लें कि 11-12 बजे वो अच्छा टाइम होता है, या फिर शाम के टाइम जब ऑफिसेज ऑफ होते हैं वो, लेकिन आप कोशिश करें कि आप सुबह उसको स्केड्यूल आप कर सकते हैं, स्केड्यूल नहीं तो अपलोड आप कर दें। ये आप सर्विसेज मेन अपने सोशल मीडिया के क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए आइए पहले बात करते हैं सोशल मीडिया पोस्टिंग पे, और अब आप कह रहे होंगे जी हम तो ग्राफिक डिजाइनर है नहीं है, हम कैसे बनाएं, मतलब कि ये फील्ड हमारे लिए है ही नहीं, मैं ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूँ बिल्कुल, और मैं सोशल मीडिया का बंदा हूँ, मैं पोस्ट बना के देता हूँ अपने सब क्लाइंट्स को। अब पोस्ट कैसे बनाएं जी, कैनवा का नाम सुना होगा आपने, canva.com जाएं उसको प्लीज़ एक्सप्लोर करें वहाँ पे। और एक और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ गया है तो आपने अब उसका डाटा कहाँ से लाना है, उसने कहा ठीक है जी मुझे महीने की 30 पोस्ट चाहिए या 20 पोस्ट चाहिए जितनी भी आप उसको दे रहे हैं, अब उसके लिए डाटा आपने कहाँ से लाना है, तो जो डाटा लाना है ना वो आपने उसको उसे पूछना पहले, काइंडली आप मुझे अपने कंपेटिटर्स बताएं, उसके कंपेटिटर्स देखें क्या चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात वो कर रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स के बारे में आपने गूगल करना है चीज़ों को कि उससे रिलेटेड ही आपने देना है। अगर कोई रेस्टोरेंट है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन के लिए फ्लोरिंग किस तरह की होनी चाहिए, बैकयार्ड में क्या करना चाहिए, पॉन्ड कैसे बैकयार्ड में बन सकता है, कौन से फूलों से मॉस्किटोज रिपेल होते हैं, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा आपको वो कंपेटिटर एनालिसिस से पता लगेगा, जो कि आपने लाजमी करना है। काइंडली उसके कंपेटिटर का कॉपी पेस्ट मत कर दिएगा, आपका क्लाइंट आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा।
अब पोस्टिंग आपने करनी है तो कैनवा पे जाएं, आपने कोई भी अगर एक कंटेंट आज का ढूंढ लिया आपने कि जी मैंने इस टॉपिक पे बनानी है पोस्ट, canva.com पे जाएं और प्लीज़ उसको एक्सप्लोर करें। उस पर ऑलरेडी बिल्ड टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं, आपने क्या करना है सिंपल डाटा उसके अंदर पेस्ट करना है और आपकी पोस्ट होगी तैयार। अब हम नेक्स्ट आते हैं कैप्शन की तरफ। मैं कंटेंट राइटर नहीं हूँ, आप भी नहीं है कंटेंट राइटर, कोई मसला नहीं यार। आप सोशल मीडिया में अगर फील्ड में आ रहे हो ना तो आज से स्मार्ट वर्क आपने शुरू कर देना है, ना कि हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो करना ही करना है लेकिन स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा करना है। writer.me एक टूल मैं आपको बता देता हूँ, आप भी बाकी एक्सप्लोर करिएगा, आपको पता लगे वो काइंडली मुझे मेरे साथ भी शेयर करिएगा ताकि मेरे में भी इजाफा हो इल्म में और मैं उन टूल्स को लाजमी यूज़ कर सकूँ। एक है writer.me, writer.me पे आप लॉगिन करें, अपना रजिस्टर हो और वहाँ पे आप सिंपल कैप्शंस बना लें। उधर ढेर और ढेर आप जितनी मर्जी कैप्शंस बनाएं, कोई आपका कॉपी राइटिंग का मसला ख़त्म। तो इस तरीके से और भी काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं ऑनलाइन जो आपको कैप्शंस बनाने की परमिशन देते हैं, कैप्शंस बना के देते हैं विदाउट एनी प्लेज बना के देते हैं और न्यू आइडियाज़ के साथ बना के देते हैं। वहाँ पे आपने सिंपल अपना आइडिया पुट करना होता है, अपनी टोन पुट करनी होती है। अगर आपका कोई फंकी सा आपकी पोस्ट है तो ऊपर आप फनी टोन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी फॉर्मल कोई पोस्ट है या प्रोफेशनल पोस्ट है तो उसको फॉर्मल टोन दे सकते हैं। अगर आप कुछ सेल कर रहे हैं तो उसके लिए कन्विंसिंग टोन आप दे सकते हैं। ये सब चीज़ें आप एक्सप्लोर करिएगा काइंडली, तो आपकी कैप्शंस तैयार होगी। उसके बाद आते हैं हैशटैग। हैशटैग तो मेरे हाल है हर किसी को पता है, एक आधा हैशटैग आप डालिएगा जो उसकी इंडस्ट्री है, जो उसकी नीश है, उसके बारे में, एक उसकी कंपनी का नेम। फॉर एग्जांपल हमाद हबीब है तो हैशटैग हमाद हबीब यूज़ कर लें। उसके बाद आप गूगल पे हाली लिखे ना रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो बेस्ट इंस्टाग्राम हैशटैग्स हाली इतना ही लिखेंगे ना तो फर्स्ट जो लिंक होगा ना उस पर क्लिक करें तो 30 हैशटैग्स पड़े होंगे, उनको कॉपी करिएगा और वहाँ पे पेस्ट कर दिएगा। एक बार दोबारा रिकॉल कर लिएगा, आप उसे रिवाइज कर लिएगा कि कोई इररिलेवेंट तो नहीं है। अगर रेस्टोरेंट है तो फोटोग्राफी या नेचर इस तरह के बीच में हैशटैग ना हो, ज़्यादातर होते नहीं है लेकिन आप फिर भी देख लेगा। और 30 हैशटैग मैक्सिमम आप यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम 30 हैशटैग से ज़्यादा की परमिशन नहीं देता। देखा जाए तो अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट करें तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में ये आ जाता है कि आपने अपने क्लाइंट के कंपेटिटर एनालिसिस करना है सबसे पहले, सेकंड नंबर पे आपने उसको पोस्ट बना के देनी है और आपने उसको ये नहीं कहना कि जी पोस्ट आपने बना के देनी है, ये आपका काम। थर्ड नंबर पे यह आ जाता है कि आपने उसका कॉपी राइटिंग करनी है, वो आपने कैप्शंस बनानी है। कैप्शंस के लिए मैंने आपको writer.me बता दिया। थर्ड में यह आता है कि आपने उसके हैशटैग बनाने हैं। आपने हैशटैग आपको मैंने बता दिया, रेस्टोरेंट बेस्ट इंस्टाग्राम हैशटैग्स आप गूगल पे जाकर लिखें, आपको वहाँ से मिल जाएंगे बहुत मज़े के। और फोर्थ पे स्केजलिंग आपने करनी है, मतलब कि उसकी अपलोडिंग करनी है। तो एक जो सोशल मीडिया मैनेजर होता है उसका ये मेन काम होता है, ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। उसके अलावा अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है तो आपने उसके कंपेटिटर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, उसके कंपेटिटर्स कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं, वो किन किन टॉपिक्स पे पोस्टिंग कर रहे हैं, उन चीज़ों को आपने देखना है और आपने भी उन्हीं पर अपलोड करना है। तो जो मेनली काम है सोशल मीडिया मैनेजर के, सोशल मीडिया जिसने उसके प्लेटफॉर्म को सिर्फ मैनेज करना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्केटिंग की इस वीडियो में बिल्कुल बात नहीं की, उसके ज़्यादातर यही काम है कि उसने क्लाइंट्स, बेशक उसका क्लाइंट फाइवर से अपवर्क पे है, उनकी ये चीज़ें पोस्टिंग बनानी है, उनका कैप्शंस बनानी है, हैशटैग्स करने हैं और उसको अपलोड कर देना है, ये मेन काम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी किसी चीज़ की समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप इनबॉक्स कर सकते हैं, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे मार्केटिंग के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।